हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन की पाठशाला। टुडेज़ टॉपिक इज़ वन नेशन वन रेशन कार्ड। वी ऑल आर नोइंग द होल वर्ल्ड इज़ फेसिंग COVID-19 इश्यू, पेंडेमिक, और इस बीच में हम बात करें रेशन कार्ड के बारे में। वेल, इंडिया में अब तक, दैट इज़ ऑन 16 मई की अगर मैं बात करता हूँ, 16 मई इंडिया में टोटल कन्फर्म केसेज 85,940 एंड जो डेथ थे कोविड से, दैट इज़ 2,752। तो इससे बचने के लिए होल वर्ल्ड एंड इंडिया में भी लॉकडाउन है, तो ये डेट तो जो है COVID-19 से भी हो रहा है। एंड ड्यू टू लॉकडाउन ऑल्सो इंडिया इज़ फेसिंग अनदर इश्यू, जिससे भी बहुत सारे डेथ हो रही है। क्या है वो हम देखते हैं। वेल, ड्यू टू लॉकडाउन कुछ आर्टिकल्स हैं। More than 300 Indians have died of coronavirus and nearly 200 of the lockdown. The Economic Time का है, suicide leading cause for over 300 lockdown deaths in India. Scroll.in का आर्टिकल है, during COVID-19 lockdown over 300 died due to other reasons such as suicides and hunger. और एक आर्टिकल है, Indians forced into quarantine are dying in lockdown but not from coronavirus. India lockdown, अरब न्यूज़ का ये आर्टिकल है, इंडिया डेथ बाय कोरोना वायरस और हंगर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोरोना वायरस हमने अब तक देखा कितना, 2,752 डेथ हो चुके हैं। ठीक है, और लॉकडाउन से भी बहुत सारे मुश्किल हो रही है, जैसे हंगर, सुसाइड, तो लॉकडाउन से भी डेथ हो रही है। ठीक है, ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत सारी कंपनीज क्या है, शटडाउन से, और हमें पता है इंडिया में नियर अबाउट 30% ऑफ जो पॉपुलेशन है दैट इज़ ऑफ माइग्रेंट्स वर्कर। ठीक है, माइग्रेंट वर्कर, जैसे नेम से हमें पता चल जाता है माइग्रेंट, दे कम फ्रॉम अदर वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, कुछ काम सिलसिले में आते हैं, दे अर्न मनी एंड सेंड बैक टू देयर फैमिलीज। ठीक है, बिकॉज दे ऑल्सो कैन सर्वाइव। बट इस बीच यहाँ पे लॉकडाउन से सब इंडस्ट्रीज़ बंद है, काम बंद है, और उससे दे डोंट हैव मनी, सैलरी नहीं है, और ये रहते थे रूम में, दे हैव टू पे द रेंट, जिससे जो ओनर है, एंड दे हैव टू लीव दैट रेंट ऑन द होम्स, रेंट नहीं पे कर पाए, एंड सैलरी नहीं, मनी होने की वजह से नहीं होने की वजह से दे डोंट हैव फूड टू सर्वाइव। ठीक है, एंड दे स्ट्रगलिंग एंड गेटिंग बैक टू देयर होम्स। अब बात यह है, लॉकडाउन में जितने भी होमलेस हैं, ठीक है, दे डोंट फियर अबाउट द कोरोना, फॉर देम द कोरोना इज़ जस्ट कोल्ड, बट दे आर वरीड अबाउट फूड। ओके, ये कुछ फोटोज़ हैं जिसमें माइग्रेंट्स वर्कर अपने घर जा रहे हैं ऑन देयर फुट। ठीक है, चल के जा रहे हैं अपने पैरों पर, क्योंकि लॉकडाउन में ऑल द ट्रांसपोर्ट्स आर शट डाउन। ठीक है, इसलिए वो मजबूर है, बिकॉज दे डोंट हैव मनी। ओके, दे डोंट हैव मनी टू पे द रेंट ऑफ द हाउसेस एज वेल एज उन्हें फूड नहीं मिल रहा है टू सर्वाइव। और जब वो निकल रहे हैं, जिसके पास ओन व्हीकल्स है या फिर जो चल के जा रहे हैं, उसमें भी ऐसे कुछ सुसाइड्स के हम बोल सकते हैं, ड्रग एक्सीडेंट 23, वर्कर्स किल्ड 6, माइग्रेंट्स वर्कर डेड। ठीक है, एंड दिस वर्कर्स आर द व्हील ऑफ अर्बन इकोनॉमी इन इंडिया। ओके, एंड फॉर टुडे दे डोंट हैव द फूड। सो फूड नहीं होने की वजह से इंडिया में बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, जिससे जो बन पा रहा है, बहुत सारे NGOs है जो इसमें काम कर रही है, गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस। ठीक है, कुछ फोटोग्राफ्स है, बट ये जो केसेस हम देख रहे हैं दैट इज़ ड्यूरिंग COVID-19 लॉकडाउन। ठीक है, ये इस टाइम देख रहे हैं, लेकिन ये जो हंगर है ये बहुत पहले से है। इसमें हम देखते हैं हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है। इंडिया का जो रैंक है दैट इज़ 102 आउट ऑफ 117 क्वालिफाइंग कंट्रीज़, और इसमें जो स्कोर है इंडिया का दैट इज़ 30.3। ये स्कोर से हमें क्या पता चलता है, ये कुछ लेवल्स आपको दिख रहे हैं, इसमें 50 स्कोर रहेगा दैट इज़ एक्सट्रीमली अलार्मिंग, मतलब वहाँ पे उस देश की बहुत ही बदतर कंडीशन है रिगार्डिंग फूड।
और यहाँ पे इंडिया किस केस में आ रहा है, सीरियस, ठीक है, 30.3। अगर हम ईयरली वाइज देखते हैं तो इंडिया में 2000 में कुछ 19-20 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, तब इंडिया का स्कोर था 38.8, 2005 में 38.9, 32, ओके, फिर 2019 में हुआ ये 30.3। वेल, ये सब बात हुई COVID-19 से और हंगर इंडेक्स क्या है। तो COVID-19 के पहले क्या कंडीशन था देखते हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं द हिंदू का। झारखंड वेर नॉट हैविंग आधार कुड स्टार्व यू टू डेथ, ठीक है, अगर आपके पास आधार नहीं है कुड स्टार्व यू टू डेथ, नो आधार नो फूड। DNA का आर्टिकल है, गर्ल स्टार्व्स टू डेथ आफ्टर फैमिली डिनाइड फूड फॉर नॉट लिंकिंग रेशन कार्ड विद आधार। क्या ये आर्टिकल देखते हैं, ये एक फैमिली है झारखंड में जिसका रेशन कार्ड से वो आधार कार्ड लिंक नहीं है, जिस वजह से उस फैमिली को रेशन देने से मना कर दिया गया, ठीक है, एंड दैट 11-year-old गर्ल डाइड ड्यू टू स्टारवेशन जस्ट बिकॉज फैमिलीज रेशन कार्ड वॉज कैंसल्ड बिकॉज दे डोंट लिंक्ड देयर आधार नंबर विद द रेशन कार्ड, ठीक है। ये सब बात हो रही है, ये जो केसेस हम देख रहे हैं अभी, दैट इज बिफोर COVID-19। वेल, तो रेशन कार्ड है क्या वो हम देखते हैं, वॉट इज़ द डेफिनेशन। रेशन कार्ड इज़ एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो कार्ड है ये स्टेट गवर्नमेंट इशू कराता है टू दोज फैमिलीज दैट आर एलिजिबल फॉर सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स फ्रॉम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड प्रोवाइड दैम रेशन कार्ड। तो ये अंडर NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू ये स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई करे जो ये फूड ग्रेन्स को एलिजिबल है गेन करने के लिए, फैसिलिटीज़ उठाने के लिए बेनिफिशरीज़ के लिए, एंड फिर उनको प्रोवाइड करे ये रेशन कार्ड। उस टाइम पे अंडर NFSA टू टाइप्स के रेशन कार्ड थे, दैट इज़ प्रायोरिटी रेशन कार्ड है, अंत्योदय रेशन कार्ड। प्रायोरिटी रेशन कार्ड में क्या होता था, जो फैमिलीज थे एलिजिबल फैमिली थी उनको 5 kg ऑफ रेशन देते थे पर पर्सन पर मंथ में, और अनंत्योदय जो था वो पुअरेस्ट से पुअरेस्ट फैमिली के लिए था, उसमें 35 kg ऑफ रेशन कार्ड दिया जाता था पर मंथ, 35 kg ऑफ रेशन। बट बिफोर NFSA अगर हम बात करते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के पहले 3 types के रेशन कार्ड होते थे। एक होता था अबो पॉवर्टी लाइन जिसमें 15 kg ऑफ रेशन दिया जाता था पर फैमिली, एक था बिलो पॉवर्टी लाइन जिसमें 25-35 kg ऑफ रेशन दिया जाते थे, और एक था अंत्योदय जिसमें 35 kg। अब ये जो रेशन कार्ड है ये आता है अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है वो हम देखते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ एन इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम जो किसके अंडर आता है, कौन से मिनिस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और ये जो ऑपरेट होता है, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंटर एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फार्मर्स है अच्छे दामों में ले और फार्मर्स को भी उसका फीस पे करे जो भी फूड ग्रेन्स है, और उसको स्टोर करके ट्रांसपोर्ट कराए बल्क में टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट का ये फ़र्ज बनता है कि वो आइडेंटिफाई करे ऐसे फैमिलीज़ को जो जिसको ये नीड है, ठीक है, कम रेट में फॉर द पुअर पीपल टू इशू दिस फूड ग्रेन्स, एंड फिर उन्हें रेशन कार्ड प्रोवाइड किया जाए। अब इस PDS के थ्रू उस फैमिलीज़ को वीट, राइस, शुगर, केरोसिन दिया जाता था, और कुछ कुछ स्टेट जो थे अपने एडिशनल भी चीज़ें वहाँ पे देती थी थ्रू दिस PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे कि पल्सेस हो गए, ऑयल्स, सॉल्ट्स, स्पाइसेस, ठीक है। अब देखते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस अराउंड World War II। बाय 1970s PDS हैज़ इवॉल्व, ठीक है, बहुत ही बड़े लेवल पे इंडिया में इसको एक प्लेटफॉर्म एक रन किया गया जिसमें और भी चीज़ें जॉइंट की गई, जैसे 1992 में रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लॉन्च हुआ, जिसका ये मकसद था कि इस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए और वहाँ तक पहुँचाए जहाँ तक ये पुअर पीपल्स है, जहाँ तक ये फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच रही, जैसे हिलीज एरियाज़ हो गए, रिमोट इनएक्सेसिबल एरियाज़। 1997 जून में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नया
सुधार लाती है, दैट इज़ टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसका सिर्फ फोकस होता है पुअर पीपल। और फिर ये TPDS जो था, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये बेनिफिशरीज को टू कैटेगरी में डिवाइड करती है, एक है बिलो पॉवर्टी लाइन एंड सेकेंड वन इज हाउस होल्ड पॉवर्टी लाइन। ओके, अब क्या होता है, सितंबर 2013 में, ठीक है, पार्लियामेंट एक एक्ट लाती है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। और ये एक्ट क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग TPDS था, जिसका मकसद था पुअर फैमिलीज को, अभी हमने देखा था, ये जो टू कैटेगरीज में डिवाइड करता है बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबो पॉवर्टी लाइन, उस हाउस होल्ड को यह हक देना और राइट टू अ फूड एज अ जस्टिसेबल राइट, और फिर उन्हें अकॉर्डिंग टू दैट बिलो पॉवर्टी लाइन अबो पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंगली रेशन कार्ड प्रोवाइड करना। ठीक है, अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है देखते हैं, अगर ये नहीं रन हुआ तो कैसे होगा। PDS, इट हैज़ हेल्प इन स्टेबिलाइजिंग फूड प्राइसेस, ठीक है, एंड मेकिंग फूड अवेलेबल टू पुअर एट अफोर्डेबल प्राइसेस। जो भी एक स्टेट में जो फूड प्राइसेस है उसको कांस्टेंट रखना और इस फूड को अवेलेबल कराना हर पुअर तक, ठीक है, एक अफोर्डेबल प्राइस, जो पुअर है उसे खरीद सके, जैसे 3 रुपीज़ पर केजी या फिर 1 रुपीज़ पर केजी में राइस। ठीक है, इट मेंटेन्स द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, जैसे कोई स्टेट है जहाँ पे बारिश नहीं हुई या फिर कुछ नेचुरल क्लाइमिटीज़ की वजह से वहाँ पे खेती नहीं हुई, तो वहाँ पे कांस्टेंट सप्लाई को एक्टिव रखना, रिमेन रखना, ये सब जिम्मेदारी होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट की। अब इसके साथ बहुत सारे इश्यूज़ भी होते हैं, वो क्या है वो देखते हैं। पहला है करप्शन, लीकेज ऑफ फूड ग्रेन्स, ट्रांसपोर्ट में लीकेज होना, ब्लैक मार्केटिंग होना, ठीक है, या फिर बेनिफिशरीज तक पहुंचना ही नहीं, जो इसके बेनिफिशियरी जिनको मिलना चाहिए, जो पुअर है उनको तो मिलता ही नहीं है और जो इनएलिजिबल है उनको ही मिल जाता है। इश्यूज विद स्टोरेज, ठीक है, वेल, तो इन सब में जो करप्शन से इससे बचने के लिए या फिर और भी बहुत सारे इसमें ऐड होने के लिए रिफॉर्म्स किए गए, वो रिफॉर्म्स क्या है वो हम देखते हैं, कौन कौन से स्टेट में क्या क्या। सो अकॉर्डिंग टू टाइम, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, टेक्नोलॉजी ऐड किए गए, क्या क्या है वो रिफॉर्म्स वो हम देखते हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय सम स्टेट्स, जैसे कि डिजिटाइजेशन हुआ रेशन कार्ड का, जो जितने भी बेनिफिशरीज के डेटास थे वेरिफिकेशन किए गए और उसे ऑनलाइन अवेलेबल किया गया बाय डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। कंप्यूटराइज्ड एलोकेशन ऑफ टू फेयर प्राइस शॉप्स, जो शॉप्स हैं उनका कंप्यूटराइजेशन किया, लाइक डिक्लेरेशन ऑफ स्टॉक कितना बैलेंस है शॉप्स में या फिर ट्रक्स के चलांस वगैरह, ऑल दिस डेटा वेर डन बाय द स्टेट्स। स्मार्ट कार्ड इश्यू कराया गया इन प्लेस ऑफ रेशन कार्ड, ठीक है, और आधार कार्ड लिंकेशन हुआ, जिससे बायोमेट्रिक सिस्टम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से स्टोर बेनिफिशियरी डेटा में मिल सके, जो बेनिफिशरीज हैं उनके नेम्स एड्रेस और बायोमेट्रिक्स के द्वारा लिया जा सके। जैसे कि एक रेशन कार्ड है, पहले नहीं होता था ये बायोमेट्रिक, तो कोई भी उसे रेशन कार्ड को लेके जाके वो बेनिफिट ले सकता था, ठीक है। अब बायोमेट्रिक आधार लिंकेशन क्या हुआ, जिसका ये राशन कार्ड है सिर्फ उसे ही ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। यूज़ ऑफ GPS टेक्नोलॉजी, इससे क्या हुआ, ट्रैकिंग किया गया ट्रक जो कैरी कर रहा है फूड ग्रेन्स का, जिससे ट्रांसपोर्ट जो करप्शन हो रहा था उसे डील किया जा सके। SMS बेस्ड ट्रैकिंग हुआ, जो मॉनिटरिंग किया गया, जो कस्टमर है या फिर जो बेनिफिशियरीज हैं उन्हें मोबाइल पे मैसेजेस आने लगे, अलर्ट्स डिस्पैच, लाइक कौन से फूड अराइव्स हुए, क्या मिल सकता है, कौन से महीने में क्या है, तो ये सब डेटास कुछ टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स हुए इन दिस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कोई स्टेट्स ने वेब बेस्ड सिटीजन पोर्टल अवेलेबल कराया, जो अपनी शिकायतें उस पर बता सके या फिर कॉल सेंटर में कॉल करके अपनी सजेशन दे सकते थे। अब हम बात करते हैं वन नेशन वन रेशन कार्ड, इसमें क्या होता है, क्या ये रीज़न है इसको लाने के लिए। करंटली रेशन कार्ड जो होल्डर है कैन अवेल देयर एंटाइटलमेंट ऑफ सब्सिडाइज फूड ग्रेन अंडर NFSA, हमने देखा था अभी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एंड ओनली फॉर डेजिग्नेटेड, जो फेयर प्राइस शॉप्स है उसी लेवल पर, वो कंसर्न स्टेट में जिस स्टेट में है वहीं से ले सकते हैं, ठीक है। इफ़ अ बेनिफिशरीज अगर वो मूव करता है अदर स्टेट में
तो उसे क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशन कार्ड को अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर एक केस हमने देखा है, जैसे कोई लड़की है, ठीक है, शादी से पहले उस रेशन कार्ड में उसका नाम है, बाद में आफ्टर मैरिज उसे उस रेशन कार्ड से नाम निकाल के यहाँ पे ऐड कराना पड़ता है। तो ये सब इश्यूज होते थे जो वन रेशन कार्ड इसे से हमें बेनिफिट मिल सकता है। सो 100% नेशनल पोर्टेबिलिटी जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने हमें बताया बाय मार्च 2021 दे आर गोइंग टू डू, ठीक है। इससे क्या होने वाला है, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और जो करप्शन है वो डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा जो एलिजिबल है उनके लिए। और एक कार्ड दिया जाएगा, रेशन कार्ड, जिससे क्या होगा, इनका जो भी डेटा है वो एक सर्वर से कनेक्ट किया जाएगा और फिर वो बेनिफिशरीज कहीं भी कंट्री में उससे बेनिफिट ले सकता है, ठीक है, कोई भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। और इससे बेनिफिट क्या होगा वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम से, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स, बेनिफिशरीज क्या करेंगे, अपने अपॉर्चुनिटीज़ वो अपने डीलर चूज़ कर सकते हैं, कोई अगर उससे मिसबिहेव करता है मिस एलोकेट कर सकता है, तो दे कैन स्विच टू अनदर फेस प्राइस शॉप्स एंड दिस अचीविंग SDG, दिस विल हेल्प अचीव टू टारगेट सेट अंडर SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इससे क्या होगा, जो हंगर इंडेक्स है उससे हम 2020 तक उसे एंड कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102 रैंक था आउट ऑफ 117 कंट्रीज, ठीक है। तो इससे भी चैलेंजेस क्या क्या हैं और कितने स्टेट्स, सब स्टेट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा, ठीक है, इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी ऑफ रेशन कार्ड। सो फार अब तक, अभी तक 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव कम ऑन बोर्ड टू रोल आउट दिस वन नेशन वन रेशन कार्ड का स्कीम। तो अब तक हम देखेंगे, अगर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, गुजरात एंड महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरला, जैसे महाराष्ट्र का कोई सिटीज़न है इज मूविंग टू गुजरात स्टेट, तो वहाँ पे भी उसका बेनिफिट ले सकता है, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स है यहाँ पे अभी तक एप्लीकेबल हुआ है, बाकी स्टेट्स को भी कम अप करना पड़ेगा। अब इसमें होता क्या, स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम देखते हैं। एक सबसे पहला, दिस इज़ अ नेशनल, तो इसमें दो मेन लैंग्वेज होंगे एंड अदर लोकल लैंग्वेजेस भी होंगे, मेन लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश। एंड जो स्टेट्स हैं दैट विल प्रोवाइड 10 डिजिट रेशन कार्ड नंबर, उसमें से पहले दो डिजिट जो है दैट इज़ अ स्टेट कोड एंड नेक्स्ट टू डिजिट विल बी रेशन कार्ड नंबर, और जो अदर जो नंबर्स हैं दैट विल क्रिएट देयर यूनिक मेंबर्स IDs जो होल्डर है। बट ये जो वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम है, ये क्या अभी आया है, ये सिर्फ एक आइडिया है या फिर आप बोल सकते एक नेम है। ये आइडिया बहुत पहले आ चुका था, 2011 में एक टास्क फोर्स था, नीलकानी लिट टास्क फोर्स, दैट कम अप विद द सर्वे ऑफ IT स्ट्रेटजी ऑफ PDS। उन्होंने ये बताया कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं सब्सिडी का फूड एंड केरोसिन टू द बेनिफिशरीज। और ये जो कमिटीज थी या फिर ये टास्क फोर्स थे, दिस वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द फाइनेंस मिनिस्ट्री इन फेबर 2011, और ये रिपोर्ट दिया गया मनमोहन सिंह को, जब उस टाइम पे कौन सी सरकार थी, कांग्रेस की। बट दिस रिपोर्ट सजेस्टेड दैट फुल नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स अंडर PDS, ठीक है, फुल नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी। तो ये जो आइडिया वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम का, वो अभी नहीं है, बहुत पहले से आइडिया था आप कह सकते हो, अभी नाम दिया था। बट उस टाइम पे ये जो वन नेशन वन कार्ड है, देखो ये आर्टिकल है, मोदी गवर्नमेंट्स वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम इज सेम UPA स्कीम दैट सोनिया लेड NSA शॉट डाउन। इसमें चैलेंजेस क्या है वो हम बात करते हैं। देर आर मैनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हु स्टिल डोंट हैव आधार कार्ड। आधार कार्ड तो ठीक है, कितने के पास तो राशन कार्ड ही नहीं है। लैक ऑफ डेटा, देर इज़ नो एग्जैक्ट डेटा ऑन द मोबिलिटी ऑफ पुअर हाउस होल्ड्स एंड माइग्रेंट्स वर्कर, ठीक है। और क्या चैलेंजेस है, कितने के पास रेशन कार्ड नहीं है, दैट्स फॉर बेंगलोर इज पुअर, डोंट हैव फूड, माइग्रेंट्स अभी हम देख रहे हैं वही ड्यू टू लॉकडाउन जो डेथ हो रही है, नो फूड नो मनी, माइग्रेंट्स वर्कर कंटिन्यू टू स्ट्रगल इन दिल्ली, ठीक है। और क्या चैलेंजेस है, जैसे तमिलनाडु
वन नेशन वन रेशन कार्ड प्लान इज़ अगेंस्ट फेडरलिज्म, ठीक है। तमिलनाडु लीडर्स कहते हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऑलरेडी वो PDS के थ्रू बहुत सारे स्कीम ला चुके हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट वन नेशन वन रेशन कार्ड के स्कीम के थ्रू उन पे बर्डन बना रही है। बंगाल सेज नो टू वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम। थैंक यू।